हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू क्लास 11th अकाउंटेंसी एंड बेटा आवर चैप्टर इज गोइंग ऑन डेप्रिशिएशन. इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड द मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिशिएशन एज वेल एज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन. एंड बेटा जो मेथड है हमारे डेप्रिशिएशन की कैलकुलेट करने की, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड. एंड वी हैव सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिशिएशन इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड. और बेटा हमारा फॉर्मूला जो है एनुअल डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने का, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स. क्लियर? तो बेटा आपको करना क्या है, अगर आपके क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन का रेट गिवन है तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, और डेप्रिशिएशन का रेट गिवन नहीं है देन आपको ये कैलकुलेशन करनी है. ठीक, चलो आज एक हम नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेटा सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो बेटा देखो हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में. एक्स लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015 अ सेकेंड हैंड मशीनरी प्लांट फॉर ₹4 लाख. यानी कि एक्स लिमिटेड ने एक सेकेंड हैंड प्लांट को कितने में खरीदा है बेटा, 4 लाख रुपीज में परचेज किया. क्लियर? इमीडिएटली स्पेंट 80,000 फॉर इट्स ओवरहीलिंग. उसने इमीडिएटली जो पैसा खर्च किया है उसके ओवरहीलिंग पे, एंड 20,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन. ऑन 1 अक्टूबर 2018 द प्लांट बिकम एब्सोल्यूट एंड वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख. डेप्रिशिएशन प्रोवाइडेड 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. एंड बेटा अभी हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ही कर रहे हैं. एंड अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31st मार्च. तो बेटा हमारा जो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में क्या देखना है, हमें मेथड हमें क्या करना है, ये बी वाला पार्ट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाद में डिस्कस करेंगे. प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन, यानी कि सिर्फ हमें मशीनरी अकाउंट ही बनाना है. आपको मैंने बताया है तीन मेथड है, पहला है प्रोविजन, पहला है मशीनरी अकाउंट, सेकेंड है आपका प्रोविजन, एंड थर्ड है आपका डिस्पोजल अकाउंट जब बनाए जाते हैं. क्लियर? तो चलो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. और हमारे क्वेश्चंस में कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है बेटा, 4 लाख. उसके ओवरहीलिंग और इंस्टॉलेशन पर जो हमने खर्च किया 1 लाख. सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल बी 5 लाख एंड रेट ऑफ डेप्रिशिएशन 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. कितना है बेटा रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. और हमें कब तक के लिए बनाना है, मशीनरी बेची जा रही है 1 अक्टूबर 2018 को और खरीदी गई है अप्रैल 2015 में. तो देखिए हमारे मशीनरी अकाउंट फर्स्ट क्या गिवन है, व्हेन वी परचेज मशीनरी टू बैंक ऑन 1 अप्रैल 2015 टू बैंक. क्लियर बेटा? 4 लाख रुपीज प्लस 1 लाख, 5 लाख. डायरेक्टली आप यहां पर लिख सकते हो 5 लाख. At the end of the year, we will charge depreciation. So here you will write March 31st, 2016. बेटा हमेशा एक साल बाद depreciation चार्ज करते हैं हम लोग, और हमारे ईयर अप्रैल से स्टार्ट है तो क्लोज कब होंगे, मार्च में. अप्रैल से मार्च आने में पूरा कैलेंडर ईयर चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 2015 से 2016 मार्च हो जाएगा. And at the end of the year, we will charge depreciation by depreciation 50,000. And at the end of the year, we will calculate balance CD, closing balance 5 lakh minus 50,000. So balance here we will get 4 lakh 50,000. Balance kitna aaya beta? 4 lakh 50,000. Ab hum next kya karenge? This balance will be transferred to balance CD. 15 है तो यहां पर हो जाएगा अप्रैल 15, 16 में हमारा मार्च है तो अप्रैल 16, 1 अप्रैल 2016 बैलेंस बीडी 4 लाख 50,000. बेटा इस साल कोई भी ना मशीन खरीदी गई है और ना ही बेची गई है, तो हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल चार्ज डेप्रिशिएशन 50,000 March 31st बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, March 31st बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट एंड बाय बैलेंस सीडी. क्लियर?
by balance CD, and here we will get closing balance 4 lakh rupees, 4,50,000, 4,50,000, और हमारे पास closing balance कितना आया 54 lakh. Again March 31st से हम क्या करेंगे बेटा, ये अप्रैल में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1st अप्रैल टू बैलेंस BD 4 lakh rupees. क्लियर? 4 lakh को हम किस में ट्रांसफर करेंगे बेटा, एट द एंड ऑफ द ईयर, मार्च का एंड कब होगा, 31st मार्च 2018 में, और हम वापस से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन 50,000, बाय डेप्रिसिएशन 50,000, एंड बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, 4 lakh minus 50,000, तो आपका ये आएगा 3,50,000 क्लोजिंग बैलेंस. बेटा सेम ईयर में हम क्या कर रहे हैं, इस क्लोजिंग बैलेंस को अगेन वी विल कन्वर्ट इनटू द ओपनिंग बैलेंस. हमेशा हम 31st मार्च को ही क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं और 31st मार्च को ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर हमारा एंड कब हो रहा है, 31st मार्च को, और हमने क्लोजिंग बैलेंस को हमने ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट किया, ये आया आपका 3,50,000. क्लियर? 3,50,000. एंड बेटा हम जो मशीन बेच रहे हैं वो है 1st अक्टूबर 2018, बाय बैंक 2 lakh rupees. एंड अगेन मशीन का आपके पास जो वैल्यू है वो अप्रैल की है और आप सेल कर रहे हो अक्टूबर में, सो वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर. दैट्स मीन हाफ ऑफ द ईयर का हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा. कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन है आपका 50,000, सो हाफ ऑफ द ईयर का डेप्रिसिएशन होगा वो 25,000. नाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस. बेटा मशीन की वैल्यू है 3,50,000 अप्रैल में, अक्टूबर तक का आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 25,000, तो मशीनरी की वैल्यू अक्टूबर में आएगी 3,25,000, और आप उसको सेल कर रहे हो 2 lakh में, इसका मतलब आपको 1,25,000 का लॉस हो रहा है. समझ में आया? 1,25,000 का आपको लॉस है, एंड इट विल बी डेबिटेड टू PNL अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और यहाँ पर आप, अगर बेटा ये आपका प्रॉफिट होता तो आप लिखते टू साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस में, तो लॉस होता है तो डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में, एंड अगर प्रॉफिट होगा तो आप डेबिट में आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे एसेट्स अकाउंट के. तो ये हमने एक क्वेश्चन बेटा सॉल्व किया है, एक बहुत छोटा सा और आसान क्वेश्चन सा था आपके पास में. एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, और वो जो क्वेश्चन होगा वो आपका रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से होगा. किस मेथड से होगा बेटा? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से. तो चलो हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अल्पाइन ट्रेडर्स परचेज अ मशीनरी ऑन 1st अप्रैल 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000. क्लियर? कॉस्ट ऑफ 8,000 एंड स्पेंट 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. कितना खर्च किया बेटा? 2,000 रुपये इसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया हुआ है. द फर्म रिटेन ऑन डेप्रिसिएशन एट द 10% पर एनम बाय रिटेन डाउन वैल्यू मेथड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू 6561 शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years इन द बुक ऑफ अल्पाइन ट्रेडर्स. द बुक आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवेन है हमारे क्वेश्चन में, यस 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवेन है. इंस्टॉलेशन में कितना पैसा खर्च हो रहा है? 2000. मशीन की परचेज के टाइम पर इंस्टॉलेशन पर जो भी पैसा खर्च होगा, मशीन के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे. सो मशीन हम परचेज करेंगे कब? अप्रैल 2015. एंड इन डेबिट साइड वी विल राइट टू बैंक, इन डेबिट साइड वी विल राइट टू बैंक 8,000 rupees प्लस 2,000 इंस्टॉलेशन, सो 10,000 टोटल. एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन. एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? मार्च 2016 है बेटा, तो सो वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 1,000 rupees. कैसे आया बेटा? 10,000 का 10%, इट विल बी 1,000, एंड हेयर वी विल गेट बैलेंस 9,000. हमें कितना बैलेंस मिलेगा बेटा? 9,000 का बैलेंस हमें मिला बाय बैलेंस
सीडी 9000। मार्च 31st 2016 है, दिस बैलेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू द ओपनिंग बैलेंस टोटल के बाद, तो 16 अप्रैल टू बैलेंस बीटी 9000। क्लियर, 9000 है। अगेन एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 31st, बेटा हम देखेंगे 16 से मार्च 17 के बीच में क्या कोई मशीन खरीदी और बेची तो जा रही है या फिर नहीं। तो अप्रैल से मार्च के बिटवीन मार्च 2017 देयर इज नो सेल और परचेज ऑफ एनी एसेट्स, सो नाउ वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा अब देखिए ये दोनों में फर्क क्या है। स्ट्रेट लाइन मेथड पे आप 10 लाख पर 10% 1 लाख डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन ये है आपका रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। नाउ यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 9000 एंड 10% ऑफ 9000 विल बी 900। क्लियर, एंड सो हेयर यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस 8100। नेक्स्ट आपका आता है, क्लोजिंग बैलेंस में 2017 अप्रैल 1st टू बैलेंस बीडी 8100। तो आपको ये क्लोजिंग बैलेंस आया है 8100 रुपए। और बेटा अगेन इन दिस ईयर वी विल चेक फ्रॉम 2017 टू मार्च 2018, बिटवीन 2017 टू मार्च 2018 देयर इज एनी सेल ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज, नो देयर इज नो सेल ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज, सो वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन एंड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी बाय डेप्रिसिएशन 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस। एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका 8100, तो या ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हो, सो डेप्रिसिएशन विल बी 810 एंड टोटल होगा और वी विल गेट क्लोजिंग बैलेंस और बैलेंसिंग फिगर 7290 मार्च 31st 2018 एंड दिस अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू द ओपनिंग बैलेंस। तो हमने इसको 18 में हमने क्या कर दिया, ओपनिंग बैलेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, अप्रैल बैलेंस बीटी 7290। अगेन वी विल सी बिटवीन 17 अप्रैल 17 टू 18 टू 19 के बीच में क्या कोई मशीन सेल और परचेज की जा रही, नो देर इज नो सेल ऑफ परचेज और सेल परचेज ऑफ मशीनरी, देर इज नो सेल एंड देर इज नो परचेज। सो एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन 72, जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी बेटा 729। बेटा आप देखिए आपके क्वेश्चंस में होना था जब आपकी बैलेंस बुक का जो डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है 6561 हो जाए तब तक आपको बैलेंस बनाना है, अकाउंट मेंटेन करने है। तो देखिए आपका जो बैलेंस है वो 6561 आ चुका है और आपने इतने ईयर्स का 19 तक का अकाउंट आपने मेंटेन किया। क्लोजिंग बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू ओपनिंग बैलेंस अप्रैल 1st 2019 टू बैलेंस बीटी एंड इन दिस वे वी हैव कम्प्लीट अवर वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन मेथड पहला था और दूसरा बेटा जो मेथड अभी हमने कम्प्लीट किया है वो है आपका रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। बेटा जो डेप्रिसिएशन है ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितने ज़्यादा आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे। अब आज हम क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करते हैं 1 मार्क्स के एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बेटा देखिए एक हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए एक हमारे पास क्वेश्चन है और हमें उसको बताना है। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन में गिवन है कि सपोज हमें जो निकालना है रेट ऑफ परसेंटेज निकालना है, रेट ऑफ परसेंटेज निकालना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। किस मेथड से निकालना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें निकालना है रेट ऑफ परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज। क्लियर बेटा, तो देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन जो कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1,50,000। क्लियर, स्टेप वैल्यू
स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 9 ईयर्स, 9 ईयर्स कितनी है 15,000, एंड रिपेयर चार्जेस सेकेंड ईयर है आपके 10,000 के। कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटा देखिए आप किस तरीके से इसमें आंसर आप इसका कैलकुलेट करेंगे सेवेंथ का। बेटा यहां पर हमें क्या करना है, हमें देखो बेटा डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन इक्वल टू बी जिसका रेट निकलेगा, डेप्रिसिएशन इक्वल टू बी आपकी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो देखिए बेटा कॉस्ट है आपकी 150 और माइनस आपका स्क्रैप वैल्यू कितनी है 15,000 डिवाइड बाय 9। रिपेयर चार्जेस से सेकेंड ईयर में हो रहे रिपेयर चार्जेस से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो ये जो आपकी जो वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है, देखिए वैल्यू जो आपकी आ रही है वो यहाँ पर छोटी सी हम वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो है आपकी 1,35,000 डिवाइड बाई 9। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ 15,000, क्लियर, डेप्रिसिएशन कितना हुआ 15,000। अब आपको रेट निकालना है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट जब आप निकालेंगे तो निकाल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय लाइफ ऑफ, क्लियर, डेप्रिसिएशन एंड 100। तो देखिए बेटा आपका जो है किस तरीके से आएगा, ये आपका जो ओवरऑल निकलेगा वो आंसर आपका होगा 10%। कितना होगा बेटा 10%। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक छोटा सा और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन किस पर हम प्रोवाइड करते हैं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन, हमेशा किस पर हम प्रोवाइड करते हैं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और फिक्टिशियस। तो हमेशा बेटा हम करंट एसेट्स फिक्स्ड, डेप्रिसिएशन हम फिक्स्ड एसेट्स पर ही कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट एक और है हमारे पास क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, द बैलेंस ऑफ वन मशीन ऑन 31 मार्च 2017, एक मशीन है उसका जो बैलेंस है 2019 में है मशीन का बैलेंस 97,200। मशीन परचेज की गई थी 1 अप्रैल 2017 में। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो है 10% पर एनम, क्लियर, डिमिनाइजिंग ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कब हमें निकालनी है, 1 अप्रैल को निकालनी है 2017 को, क्लियर बेटा। तो बेटा ये हमारा जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी हमारी कितनी होगी ये हमें निकालना है। आपके पास जो ऑप्शन है वो देख लीजिए, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, वैल्यू है आपकी 1 लाख, ये आपको क्वेश्चन करना है। दूसरा है आपके पास वैल्यू 1,20,000, मैं फिर इसका सोल्यूशन आपको समझाऊंगी बहुत अच्छा तरीके से करने का, बता दूंगी तो फिर आप दिमाग नहीं लगाएंगे, 1,08,000, एंड लास्ट है आपका ऑप्शन 1,32,000। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए है, इसको आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट होगा तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। अच्छा एक पॉइंट और हमने डिस्कस किया था, जो अमोटराइजेशन रिफर्स किसको करता है, टैंजिबल को, इंटैंजिबल को, वास्टिंग को, फिक्टिशियस को। तो आपको मैंने बताया था आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो टैंजिबल एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब में तो लगेगा डेप्रिसिएशन, और गुडविल पर लगेगा आपका अमोटराइजेशन एक्सपेंसेस। यानी कि इनटैंजिबल एसेट्स को जब हम राइट ऑफ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोटराइजेशन एक्सपेंसेस। तो इस पर आपको लगेगा अमोटराइजेशन एक्सपेंसेस। ये कुछ क्वेश्चन हैं, प्लस आप अपने बुक के जो बैक साइड के क्वेश्चन से एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन से वो सारे सॉल्व कर लेना। एक और इन्फॉर्मेशन है, कभी भी डेप्रिसिएशन लैंड पर नहीं लगता है, देर विल बी नो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, बिकॉज लैंड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्लियर, लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल यूजेस ऑफ लैंड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस।